हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग एशियन गेम्स का हिस्ट्री के बारे में देखेंगे और जो अभी भारत ने इसमें 100 पदक तालिका को पार कर लिया है, इसको भी आज हम लोग देखेंगे और जो भी इससे प्रश्न बनते हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि एशियाई खेल 2023 के 23 में जो हुआ है 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो एशियाई खेल 2023 में 19वां संस्करण जो हुआ है यह कहाँ आयोजित किया गया, तो यह आपका हांगझू चीन में किया गया। कहाँ किया गया? हांगझू चीन में किया गया। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो 19वां संस्करण 2023 या हांगझू चीन में हुआ। इसका आयोजन जो हुआ था 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक रहा। 19वें संस्करण के उद्घाटन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया गया, जबकि 18वां संस्करण जो 2018 में हुआ था यह आपका जकार्ता के इंडोनेशिया और प्लेमबर्ग दो जगह हुआ था। ठीक है, 18वां एशियाई खेलों का मोटो क्या था? तो जो 18वां एशियाई खेल हुआ था उसका मोटो था कि एशिया की ऊर्जा। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व जो एशियाई खेलों का संस्करण 2026 में होगा कहाँ होगा, तो यह होगा नागोया जापान में होगा। तो दोस्तों तीन प्रोसेस में बनता है, एक तो वर्तमान में जो हुआ है उसे करेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 19वां संस्करण 2023 में हुआ है, 22 में होना था सितंबर में, तो कोविड के कारण 23 में हुआ है, तो यह कहाँ हुआ है? तो यह चीन के हांगझू प्रांत में हुआ है। इससे पहले 4 सालों पर यह गेम होता है तो कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। और अब कहाँ होगा 4 साल के बाद? तो यह नागोया जापान में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एशियाई खेलों के 19वें संस्करण में भारत के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो अब की बार पूरे एशियन गेम्स जितना हो चुका है उसमें सबसे ज़्यादा भारतीयों ने खिलाड़ियों को उतारा था, तो इसमें 655 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तो एशियाई खेलों के 19वें संस्करण में 655 खिलाड़ी हिस्सा लिया। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं कि 19वें संस्करण के एशियाई खेलों में 40 खेलों की अलग अलग 481 से अधिक प्रतियोगिताएं हुई। 40 इसमें खेल रहा, 40 खेलों की अलग अलग 481 से अधिक प्रतियोगिताएँ हुई। और 19वीं एशियाई खेलों में 45 देशों के 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया और भारत की तरफ से 655 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेल 2023 का शुभंकर क्या है। तो जो 19वां एशियाई खेल है उसका शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका शुभंकर का नाम है चेन चेन, कांग कांग और लियान लियान। इस तीनों को एक साथ मिलाकर मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम रखा गया है। तो आपसे दोस्तों ये भी पूछ सकता, ऑप्शन में ये भी रहेगा मेमोरीज ऑफ जियांगन, तो आप मेमोरीज ऑफ जियांगन मारिएगा। अगर आपसे ये तीनों दे दे और चौथा ऑप्शन में दे दे इनमें से सभी, तो आप इनमें से सभी मारिएगा, चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान, उसका तीनों को एक साथ मिलाकर मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेलों में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन है या कौन रहे? तो इसमें से ध्वजवाहक थे लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह। लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह। तो लवलीना बोरगोहेन एक मुक्केबाज है, इन्होंने 19वें संस्करण में रजत पदक जीता है तथा इनका संबंध असम राज्य से है। तो दोस्तों यहाँ ये बताने का मेरा एक ही मकसद है कि कभी कभी खिलाड़ी देता है और पूछता है इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध असम राज्य से है। ठीक है, जबकि हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है और भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो एशियाई खेलों का आयोजन जो होता है ना, एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा होता है। एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा होता है। एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा प्रत्येक 4 साल पर एशियाई खेलों का आयोजन होता है। आपसे पूछेगा कि ओसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओसीए का फुल फॉर्म ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया होता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया होता है। ठीक है, और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कुवैत सिटी में है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिसमें
पदक तालिका, और पदक तालिका से एक आपका प्रश्न जरूर बनेगा दोस्तों, तो आप लोग इसको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेगा आप लोग के लिए, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखिएगा। पदक तालिका एशियन गेम्स 2023 चीन कुल पदक 382 जीता, 382 में यह 200 स्वर्ण पदक, 111 रजत पदक और 71 कांस्य पदक जीता, जबकि दूसरे स्थान पर जापान रहा, कुल 186 पदक जीता जिसमें से 51 स्वर्ण पदक, 66 रजत पदक और 67 कांस्य पदक जीता। तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, कुल 190 पदक जिसमें आपका 42 स्वर्ण पदक। तो दोस्तों देखिए 186 जापान है लेकिन 190 आपका दक्षिण कोरिया, जिसकी जिसका स्वर्ण पदक की संख्या ज्यादा रहता है वह उसका स्थान उसी के आधार पर तय किया जाता है। तो दक्षिण कोरिया 42 स्वर्ण पदक, 59 रजत पदक और 89 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। जबकि अब आते हैं मुख्य रूप से भारत ने झंडा गाड़ दिया है चौथे स्थान पर 107 पदक के साथ, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक, जिसमें से भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, शूटिंग टीम ने पुरुष वाला स्वर्ण पदक जीता, कबड्डी ने जीता आपका, और क्रिकेट भारतीय क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता, महिला क्रिकेट टीम ने आपका स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों स्वर्ण पदक का आपको याद रखना है कि स्वर्ण पदक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, ठीक है, और उनका संबंध कहाँ से है और किस खेल से, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और जो अभी चीन में जो हांगझू प्रांत में हुआ है एशियन गेम, तो लगातार चीन में तीसरी बार इसका आयोजन हुआ है एशियन गेम्स का, पहली बार 1990 में हुआ था, उसके बाद 2010 में, और उसके बाद अब की बार 2023 में हुआ है। तो अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल पुरुष शूटिंग टीम 10 मीटर एयर राइफल में जीता, जिसमें से शामिल कौन कौन थे, तो रुद्राक्ष पाटिल थे, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर थे और दिव्यांश सिंह पंवार थे, ठीक है। जबकि पूछ दे आपकी आपको अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय महिला शूटिंग टीम ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता, तो यह सिल्वर मेडल जीता, जिसमें से कौन कौन शामिल थे, तो रमिता मेहुली घोष और आशीष चौकसे शामिल थे। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है, तो यह किया गया है क्रिकेट, महिला और पुरुष दोनों को पहली बार भेजा गया है, ठीक है। जबकि एशियन गेम्स में क्रिकेट को पहली बार 2010 में ही शामिल किया गया था, लेकिन भारत अब की बार 2023 में पहली बार इसमें पुरुष और महिला दोनों को शामिल किया है और दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। महिला ने श्रीलंका को हराकर और पुरुष ने अफगानिस्तान में बारिश के कारण हो गया, तो डीआरएस नियम से जीत भारत की हुई। और महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता, और उसमें महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर। तो चलिए दोस्तों आज एशियाई खेलों के अब इतिहास के पीछे के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि इनका शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 ईस्वी से हुई थी, ठीक है, और पहले एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और प्रथम एशियाई खेलों में 11 देशों ने हिस्सा लिया था, कितने देशों ने, 11 देशों ने हिस्सा लिया था, और पहले एशियाई खेलों में 12 खेलों के लिए 489 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, मात्र 489, और आज 2023 में 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, ठीक है। पहले एशियाई खेलों में 12 खेलों के लिए 489 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, और प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली के ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम में किया था। अगला प्रश्न है कि भारत एशियाई खेलों में कौन से स्थान पर रहा था, तो प्रथम एशियाई खेल में भारत दूसरे स्थान पर रहा था, ठीक है। तो प्रथम एशियाई खेलों में भारत प्रथम स्थान पर जापान रहा, जिसमें से जापान ने कुल 60 पदक जीता था, और दूसरे स्थान पर भारत रहा था, दूसरे स्थान पर 51 पदक के साथ भारत रहा, जिसमें से 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 20 कांस्य पदक शामिल थे। एशियाई खेलों के इतिहास में भारत को पहला पदक किसने जिताया है और किसने दिलाया है, तो एशियाई खेलों के इतिहास में भारत को पहला पदक सचिन नाग ने 1951 के एशियाई खेल जो दिल्ली में हुआ था उसमें पहला स्वर्ण पदक तैराकी में दिलाई थी। और एशियाई खेलों के इतिहास में महिलाओं में भारत को पहला पदक जो रोशन मिस्त्री ने 100 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक दिलाई थी, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो यह है कमलजीत संधू, जो 1970 के बैंकॉक में जो हुआ था एशियाई खेल उसी में 400 मीटर
दौड़ में भारत को स्वर्ण पदक दिलाई थी। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में पहली बार रिले यानी मशाल को कब शामिल किया गया, तो यह किया गया था 1958 के तीसरे संस्करण जो हो रहा था एशियाई खेल का, जापान के राजधानी टोक्यो में शामिल किया गया था, उसी में पहली बार रिले को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में शुभंकर को पहली बार कब शामिल किया गया, तो एशियाई खेलों में पहली बार शुभंकर को 1982 में शामिल किया गया था, और एशियाई खेलों का जो नवा संस्करण 1982 में दिल्ली में आयोजित किया गया था उसी में पहली बार शुभंकर को शामिल किया गया, और एशियाई खेलों का पहला जो शुभंकर था अप्पू, यह एक हाथी था, ठीक है, क्या था, हाथी था, और अप्पू का मतलब होता है सादा मैत्री बंध होता, और एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो यह चमकता हुआ सूर्य है। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है, चमकता हुआ सूर्य है। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों के जनक किसे माना जाता है, तो एशियाई खेलों के जनक गुरुदत्त सोढ़ी को माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा।